जातिवाद का शिकार विराज जगताप। भाजपा के शासनकाल में जातिवाद यह चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जातिवादी हमलों के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी मानसिकता एक ही है, मनुवादी मानसिकता, जातिवादी सोच। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में भी ऐसी ही एक वारदात को जातिवादी लोगों ने अंजाम दिया। उसी के चलते महाराष्ट्र राज्य बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने और बहुजन समाज पार्टी के पिंपरी चिंचवड़ के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने मृतक के परिवार से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिलाया कि आगे की न्यायिक लड़ाई एवं विराज जगताप का खून करने वालों को बसपा कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आखिर तक संघर्ष करेगी। बहुजन समाज पार्टी विराज जगताप इनके परिवार के साथ खड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने बताया कि विराज जगताप इनका मामला बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी से बात करके संसद के दोनों सदनों में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र यह फुले शाहू बाबा साहब की कर्मभूमि रही है, यहाँ विराज जगताप का खून होना यह राज्य सरकार के लिए शर्मनाक बात है। जैसा कि गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा बहुजन समाज पर होने वाले जुल्मों, अन्याय, अत्याचारों के खिलाफ संविधान सम्मत संघर्ष करते आई है, फिर चाहे वह उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो या फिर महाराष्ट्र की घटना क्यों ना हो। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताज ने इनके साथ प्रदेश सचिव सुजीत गायकवाड़, भाऊ शिंदे, उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी पुणे जिला यूनिट से संजय ओहड़, सागर खेंडे, प्रकाश गायकवाड़, सागर जगताप, मिलिंद भोसले, पिंपरी चिंचवड़ पुणे शहर यूनिट से राजेश बेंगड़े, विजय मिसड़े, रामलिंग सोनवने, सुनील थोरात, सत्यवान गायकवाड़, निखिल अल्लाट, अक्षय खंडे, सनी तेलंग, प्रवीण जगताप, संजय गौड़े और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दबाएं घंटी का बटन।